हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे रियल नंबर सिस्टम का। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन ये है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप इसका डेसिमल एक्सपांशन देखो तो वो होगा 0.142857। फिर से यहाँ पे आएगा 1428 57, 1428 57 ऐसे। अब 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, तो उसका आंसर ये है। अब ये कैसे आता है, आपको बस पहला स्टेप देखना है। जब आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। यहाँ पे 20 आएगा, 7 2 14 आएगा, यहाँ पे आएगा 6। डेसिमल होने की वजह से यहाँ पे आएगा 0, तो 7 8 56। बस अब आप जज कर सकते हो कि 0.28, और फिर इसके आगे के नंबर्स आप बता सकते हो। अगर आप ऊपर की एक्सपांशन देखो, ये वाली डेसिमल एक्सपांशन 1/7 की, तो उसमें 2/8 के बाद क्या आता है, 2/8 के बाद आता है 5/7। तो आगे आना चाहिए 5/7, या आएगा ही आएगा 5/7, और फिर आएगा यहाँ पे 1/4। 5/7 के बाद 1/4, फिर 2/8 आएगा, तो आगे 2 8 5 7 1 4, ये रिपीट होते रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 12। सिमिलरली इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 3/7, तो आप क्या करो, जज करो कि जब आप 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट और फिर यहाँ पे 0 लगाना होगा। 7 4 28 आता है। बस अब 0.4 के बाद क्या नंबर होगा, आप ऊपर जाके देखो, 4 के बाद नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 5 7, तो यहाँ पे आएगा 2 8 5 7। उसके बाद आएगा 1 1, और फिर से 4 आने वाला है यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे 4 2 8 5 7 1 आएगा। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे बाहर लिख दो, ठीक है। तो ये आएगा 3/7 का एक्सपांशन। ऐसे ही 4/7 का एक्सपांशन क्या होगा, 4 को डिवाइड करो 7 से, डेसिमल लगा दो 0 यहाँ पे, 7 5 35 होता है, तो 0.5 के आगे के नंबर्स क्या होंगे, फिर यहाँ से आपको जजमेंट मिल जाएगी। 5 के आगे के नंबर्स है 7 1 4, तो यहाँ पे आएगा 7 1 4 2 8 2 8, फिर से 5 आने वाला है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही आपको करते जाना है, ठीक है। ऐसे ही आप 6/7 का एक्सपांशन जज कर सकते हो, या 5/7। तो 5/7 कैसा दिखेगा, 5 यहाँ पे 7, पॉइंट लगा दो यहाँ पे 50, 7 7 49, 1 डेसिमल होने की वजह से यहाँ पे 10 आएगा, 7 1 7, तो 7 1। अब फिर ऊपर जाके देखो, 7 1 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 7 1, फिर आएगा 4 2 8 5, तो यहाँ पे आएगा 7 1 4 2 8 5 बार। सिमिलरली यू कैन जज वॉट विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/7। फाइन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक्स इज 0.6 बार, 0.6 बार मतलब 0.666, उसमें 6 रिपीटेड है इन्फिनिट टाइम्स। तो हमको इसका p/q फॉर्म निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x हमने लिख दिया, x इज 0.6666 सो ऑन। तो इसका जो रिपीटेड ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स है, एक ही डिजिट है, 6 है वहाँ पे, तो जितने डिजिट्स है उतना 10 का मल्टीपल आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 10x, यहाँ पे आएगा 6.6666। तो ये एक इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 10x - x, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। राइट साइड का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 6.666 - 0.666, ऐसे दिखेगा ये। अब क्या होगा कि इसमें भी डेसिमल के बाद 666 का सीरीज़ है, इसमें भी डेसिमल के बाद 666 का सीरीज़ है, और आप सब्ट्रैक्शन लगा रहे हो, तो ये 666 का जो डेसिमल पार्ट है वो निकल जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 6 - 0। 6 - 0 होता है 6। ये समझ में आ रहा है आपको, आप इस सब्ट्रैक्शन को कैसे कैरी कर सकते हो, 6.666, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये पहले नंबर को ऐसे -0.666 का इन्फिनिट सीरीज़, यहाँ पे ये वाला सीरीज़ और ये वाला सीरीज़ कैंसिल आउट होगा, और आपके पास सिर्फ 6 बचा हुआ होगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 10x - x इज 9x, 9x इज 6, x का वैल्यू क्या होगा, 6/9, 6/9 इज 2/3, सो 2/3 इसका p/q फॉर्म है 0.6 बार का। नेक्स्ट, x इज 0.47 बार,
पॉइंट फोर सेवन बार का मीनिंग क्या है, पॉइंट फोर फिर सेवन 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 इन्फिनिट टाइम्स रिपीटेड है। पहला स्टेप क्या है कि जो रिपीटेड ब्लॉक आपको दिख रहा है सेवन 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 का, जस्ट उसके आगे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, बट डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पे है, तो इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x होगा 4.7777 एंड सो ऑन। अब आपको वही स्टेप कैरी करना है कि इसका जो रिपीटेड ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स है, उसमें एक ही डिजिट है, तो आप 10 से फिर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो 10 × 10 होगा 100x, ये डेसिमल शिफ्ट होगा आगे, तो यहाँ पे आएगा 47.7777 सो ऑन। फिर इन दोनों इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन लगाओ ताकि ये जो डेसिमल पार्ट है 0.777 0.777 वो दोनों में कैंसिल आउट हो जाए, तो 100x - 10x यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आएगा 47.777 - 4.777, ऐसे ये नंबर्स दिखेंगे। दोनों में क्या होगा कि ये जो डेसिमल वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट होगा, और दोनों का जो इंटीजर पार्ट है डेसिमल के पहले वाला पार्ट उसका सब्ट्रैक्शन लगेगा, तो 47 - 4 होगा 43। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, 100x - 10x दैट इज 90x, 90x इज 43, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 43/90, ये इसका p/q फॉर्म है। थर्ड एग्जांपल, x इज 0.001 बार, इसका मीनिंग क्या है, 0.001 0001 0001 रिपीटेड। अब ये देखो जो रिपीटेड ब्लॉक है उसी के आगे डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो सिंपल होंगी, आपको क्या करना है कि कितना रिपीटेड ब्लॉक है, 3 का है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, x को भी 1000 से, यहाँ पे भी 1000 से, तो 1000x का वैल्यू होगा। अब देखो ये जो डेसिमल है वो 3 प्लेसेस से आगे शिफ्ट होगा, 1 2 3, तो आपको मिलेगा 1.001001 एंड सो ऑन, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था, ओरिजिनल x का वैल्यू और ये, इनका सब्ट्रैक्शन लगाना है, तो 1000x - x लेफ्ट साइड पे ये टर्म आएगा, राइट साइड पे ये माइनस ये, तो ये डेसिमल का पार्ट जो है वो निकल जाएगा, 1.0 यहाँ पे 1.001001 इसकी सीरीज़ है, फिर आएगा माइनस ये वाला नंबर। अब क्या होगा कि पॉइंट के आगे जो 001 का सीरीज़ है वो दोनों में कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, 1000 - 1 = 999, सो 999x इज 1, x का वैल्यू होगा 1/999, दिस इज द p/q फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल नंबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, x इज 0.9999999 का यहाँ पे सीरीज है, इसका हमको p/q फॉर्म निकालना है, सेम कि जो रिपीटेड ब्लॉक है उसके आगे ही आपको डेसिमल नंबर दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसमें कितना रिपीटेड ब्लॉक में लेंथ कितना है, एक ही डिजिट का है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 यहाँ पे एंड यहाँ पे, जब आप 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 9.9999, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाओ, 10x - x इज 9x एंड ये माइनस ये होगा 9, क्योंकि जब 9.999 - 0.999 का सीरीज़ आप लगाओगे तो ये डेसिमल पार्ट दोनों में कैंसिल आउट होगा एंड गेट 9 ओवर हियर, 9x इज 9, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0.9999 इनफिनिट टाइम्स इज एक्चुअली 1, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे आप डेसिमल के बाद 9 बढ़ाते जाते हो आप 1 के और पास में जा रहे हो, तो जैसे ही आप 9 को इन्फिनिट टाइम्स बढ़ा दोगे आप एक्चुअली 1 पे पहुंच जाओगे, इसका मीनिंग ही ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है इसके पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पे 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन देखना था, 1/17 का जो रिपीटेटिव ब्लॉक है उसमें देखने थे कितने डिजिट्स है, उसमें 16 डिजिट्स आए थे और वो 17 से कम है, तो 1/17 का एक कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आया था उसमें 16 डिजिट्स थे, यही हमको ऑब्जर्व करना है, और ये 16 इज लेस दैन 17, दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट टू ऑब्जर्व इन दिस। क्वेश्चन नंबर 6, हमको बहुत सारे डेसिमल एक्सपेंशंस देखने हैं जो टर्मिनेट होते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन बनानी है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो देखो हाफ का डेसिमल एक्सपेंशन 0.5, 1/5 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.2, 1/10 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.1, 1/10 को लिखा जा सकता है, 1/10 को लिख सकते हैं 5 × 2, तो 1/5 × 2 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.1, 1/2² का डेसिमल एक्सपेंशन
वन बाई टू स्क्वायर क्या होगा, वन बाई फोर, वन बाई फोर का डेसिमल एक्सपेंशन 0.25, वन बाई फाइव स्क्वायर मतलब 1/25 दैट इज 0.04। ये सब डेसिमल एक्सपेंशंस देखो टर्मिनेट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन क्या है, हमेशा डिनोमिनेटर में आपको 5 और 2 ही दिख रहा है। देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर, यहाँ पे 5 × 2, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/2। इसका मतलब अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करानी है तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए या तो 5 या तो 2 या दोनों ही चल जाएंगे। उसके अलावा और कोई भी नंबर नीचे आया डिनोमिनेटर में तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव होगी या रिकरिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने वो स्टेटमेंट लिखी है, फॉर पी बाय क्यू टू हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यू शुड हैव ओनली 2 or 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 or 5 ही डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए, एनी अदर फैक्टर विल मेक इट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1/2 तो है बट 3 अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.166666। ये देखो ख़त्म नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेटिव है, रिकरिंग है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, यही आपको आंसर लिखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए नीचे 2 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। यू हैव टू टेल या राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। किसकी होती है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म भी नहीं होती और नॉन रिकरिंग, ब्लॉक रिपीट भी नहीं होता, होती है इरेशनल नंबर्स की। तो एग्जांपल्स बहुत सिंपल है बनाना, 2 पॉइंट आप कर दो, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, एक 1 को बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो ये इरेशनल नंबर बना, ये इस क्राइटेरियन को मैच कर रहे हैं। ऐसे बहुत नंबर्स आप बना सकते हो, 5.01001000100001 या 4.123456 7888999, कोई भी रैंडम से नंबर्स लगाते जाओ तो आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा, ये वाला नंबर बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 9/11। इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स हमको लिखना है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि आपको यहाँ पे 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना होगा। तो 5/7 का है 0.714285 bar, 9/11 का है 0.81 bar, ये आप करके देखो डिवीजन। ओके तो ये जो नंबर है 0.71 और यहाँ पे 0.81 दिख रहा है, तो 0.71 और 0.81 के बीच में हमको इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि उनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होती और रिकर भी नहीं होती। तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 0.71 से बड़ा नंबर देखो 0.72 आ गया और फिर बस अब आपको कोई भी यहाँ पे रिपीटेटिव पैटर्न नहीं लगाना है, रिपीटेटिव ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो 72 के बाद 772 777 472 बन गया एक नंबर, 72 हो गया, फिर 73 लगा दो, 0.73 0073 0073 0073 4073 and so on। यहाँ पे भी कोई रिपीटेटिव ब्लॉक नहीं है, फिक्स लेंथ का ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। फिर 0.75 677 5667, कोई भी रैंडम सा आप ऑर्डर यहाँ पे लगा दो, बस 71 से ग्रेटर होना चाहिए और 81 से 0.81 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो ये 3 इरेशनल नंबर्स हमने बना दिए। ऐसे बहुत बना सकते हो आप नंबर्स, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है इसके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th, हमको बताना है कि नंबर जो है वो इरेशनल है या रैशनल है। तो √23, देखो 23 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो हमको पता है कि वो डेफिनेटली क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट √225, विच वी नो इट इज़ 15, 15 इज़ वॉट, रैशनल नंबर, क्योंकि 15 कैन बी रिटन एज 15/1, इट इज़ ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। उसके बाद 0.3796, इसका क्या है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है, रैशनल नंबर्स की होती है। 7.478478 and so on, आगे उन्होंने रिपीटेटिव पैटर्न बनाया। तो यहाँ इस नंबर को आप लिख सकते हो 7.478 द होल बार।
अगर ये डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है। और जब कभी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म नहीं हो रही हो, बट रिपीटेटिव ब्लॉक दिख रहा है आपको, तो वो रैशनल नंबर होता है। और फिर 1.101, 001, 0001, 401, कोई भी एक फिक्स ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, सो दिस इज डेफिनेटली अ एन इरेशनल नंबर। अच्छा, इस एग्जांपल में आते हैं फिर से। अगर मान लो सिर्फ इतना लिखा है 7.478478, बस आगे डॉट नहीं लगाया, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और टर्मिनेटिंग किसकी होती है? रैशनल की होती है। तो इनफैक्ट 7.478478 डॉट 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 भी लगाया तब भी वो रैशनल है, और नहीं लगाया तब भी वो रैशनल है। फाइन, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगेन इन सम्स को अच्छे से स्टडी करो, इनको फिर से आप बिना देखे ट्राई करो। अगली एक्सरसाइज हम लोग कल देखेंगे।